नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटोर में। और गुड मॉर्निंग सभी को, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को सुप्रभात, सभी लोगों को सत श्रीकाल। यहाँ पर सभी लोग जुड़ चुके होंगे और स्पॉटलाइट ऑफ करंट अफेयर्स 18 अगस्त 2019 प्रेजेंटेड बाय सिलेक्शन मेंटोर, एक कदम सफलता की ओर। यहाँ पर हम लोग ये लाइव सेशन डेली लेकर के आ रहे हैं। 6 AM पर आपको ये लाइव सेशन यहाँ पर डेली मिलेगा, तो आप इस सेशन को कंटिन्यू करना ना भूलिए। 6 बजे का आप अलार्म लगा लीजिए चाहे तो, और यहाँ पर आप 6 बजे देखेंगे कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलेंगे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो 9121815869 पर आकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिवली इस समय जो हम लोगों ने टारगेट कर रखा है वो NTPC 2019 है, और NTPC के लिए कई सारे ग्रुप्स जो हैं व्हाट्सएप पर हम लोगों ने बना रखे हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वहाँ शेयर होते हैं, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप करिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सिलेक्शन मेंटर टाइप करना है और आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन को जो है ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। सो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, 28th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2019 ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड एट। तो जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक 2019 कहाँ आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपके पास शायद अब तक इसका आंसर आ गया होगा, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर है। देख, ब्राज़ील में ये मीटिंग हुई है जो कि 28वीं मीटिंग है, और यहाँ पर देखिए बेसिक का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, BA स्टैंड फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना। तो बेसिक का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। मीटिंग वॉज हेल्ड एट पाउलो ब्राज़ील फ्रॉम 14 to 16 अगस्त 2019। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है 14 से 16 अगस्त 2019 में हुआ था। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। सी प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर दिस मीटिंग। तो इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट से दूसरे जो व्यक्ति यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, चाइना यहाँ पर लिखा हुआ है, चाइना विल होस्ट द 29th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2020। तो 2020 में जो अगला बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगा वो कौन होस्ट करेगा, कहाँ पर होगी, ये चाइना में होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्राज़ील, और अगली मीटिंग होगी 2020 में और कहाँ होगी, चाइना में, यानी 29th बेसिक जो है वो चाइना में होगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आई आई टी डेवलप्स मल्टी मॉडल रोबोटिक सिस्टम कॉल्ड ग्रैस्प मैन विद अ ह्यूमन लाइक ग्रेस्प। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी IIT ने मानव के समान समझ के साथ ग्रेस्प मैन नामक मल्टी मॉडल रोबोटिक प्रणाली की को विकसित किया है। तो अभी हाल ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन था, आपको बताना है उस IIT का नाम जहाँ पर ग्रेस्प मैन नाम का एक रोबोट तैयार किया गया है और ये बिल्कुल मानव के समान समझ भी रखता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा IIT मद्रास, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मद्रास, IIT मद्रास, या इसको हम IITM भी कह सकते हैं, IITM। तो IIT मद्रास इसी को IITM भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिसर्चर्स टीम्स वॉज लेड बाई, तो इनका नाम है, किसने इस रिसर्च टीम को लेड किया है, तो उन साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, अशोका थोयोदियाथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया क्लिंच्ड गोल्ड एट अंडर 12 एशियन टेनिस टीम चैंपियनशिप 2019 इन कजाकिस्तान बाय डिफीटिंग विच कंट्री, यानी किस देश को हरा करके भारत ने कजाकिस्तान में अंडर 12 एशियाई टेनिस चैंपियनशिप 2019 का स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंग्लैंड। तो आपको बताना है कि किसे हरा कर इंडिया ने ये जीता है।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, टेनिस टीम चैंपियनशिप जो है वो कजाकिस्तान में किसको हरा करके यहाँ पर इंडिया ने जीता है, ये आपको बताना है। सो फटाफट से आंसर करके मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने बता दिया होगा शायद, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा बेटा, चाइना। ठीक, तो इंडिया क्लिंच्ड गोल्ड अंडर 12 एशियन टेनिस चैंपियनशिप 2019 इन कजाकिस्तान बाय डिफीटिंग विच कंट्री, द कंट्री इज चाइना। तो चाइना को हरा करके एशियन टेनिस चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, और कहाँ पर जीता है, कजाकिस्तान में जीता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया चाइना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड विलियम्स। तो रिचर्ड विलियम्स पास्ड अवे इन ब्रिस्टल यूके रिसेंटली, हु वॉज ही। हाल ही में रिचर्ड विलियम का ब्रिस्टल यूके में निधन हो गया है, वे कौन थे। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चार ऑप्शन है, एनिमेटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड सिंगर। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, तो बिल्कुल सही आपने पहचाना है, इस पिक्चर को देख करके आप पहचान सकते हैं आसानी से कि ये एक एनिमेटर है, और इन एनिमेटर ने इन्होंने जो है एक एनिमेशन क्रिएट किया था जिसको हम लोग इस एनिमेशन को हम लोग यहाँ पर ये रोजर रैबिट के नाम से जानते हैं। तो आपके यहाँ पर एक रैबिट दिखाई दे रहा होगा, इसको रोजर रैबिट, ये करेक्टर है, इसको इन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ था। तो लिखा है ही वॉज ट्रिपल ऑस्कर विनिंग एंड ट्रिपल बाफ्टा विनिंग एनिमेटर हु वॉज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग रोजर रैबिट। तो इन्होंने रोजर रैबिट नाम का क्रिएचर क्रिएट किया था, और साथ ही साथ ये 3 बार के ऑस्कर जीत चुके हैं, और साथ ही साथ 3 बार इन्होंने बाफ्टा अवार्ड भी जीता हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस शख्सियत है जिनका अभी हाल ही में यूके में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ लेमरू एलिफेंट रिजर्व। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है लेमरू एलिफेंट रिजर्व का। तो ये सरकार कौन से सरकार की बात करी जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है। देखिए आप क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर अगर आपको आते हैं और हमारे बताने से पहले आते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि खट से आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर जरूर लिख दिया करिए। तो करेक्ट आंसर लिखने के आपके फायदे आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग जो है वो हाल ही में कितने प्रोडक्ट्स को प्रदान किए गए हैं। तो भौगोलिक संकेत GI टैग जो है वो कितने उत्पादों को मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने 2, 3, 4 और 5। तो 3, 4, 2, 3, 4 या 5 कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। सो उम्मीद है कि आपने सही आंसर बताया होगा अभी तक, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 3। तो हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग कितने उत्पादों को मिला है, 3 उत्पादों को मिला है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड DIPP। तो DIPP का फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डी स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्री, पी फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रियल ट्रेड। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI हैज ग्रांटेड जियोग्राफिकल आइडेंटिटी इंडिकेशन GI टैग फॉर 3 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम 2 स्टेट्स। तो 2 राज्यों के 3 प्रोडक्ट्स को GI टैग यहाँ पर मिला है, और ये प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं, लिखा है थ्वालोपम। तो थ्वालोपम कह सकते हैं अ वुमन फैब्रिक एंड मिजो पुंछी। ठीक है, तो मिजो पुंछी ये भी एक कह सकते हैं कलरफुल मिजो शॉल है। ये 2 प्रोडक्ट जो हैं आपके आपको एक स्टेट से मिल रहे हैं, फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम, ये एक स्टेट है। एंड थिरूर बेटल वाइन। ठीक है, तो थिरूर बेटल वाइन फ्रॉम केरला, ये एक और प्रोडक्ट है जिनको हाल ही में GI टैग में लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये GI टैग इनको मिला, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट हैं, नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलम शर्मा पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज फेमस इन विच फील्ड। हाल ही में नीलम शर्मा जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन हैं आपके सामने, एडवोकेट, एक्टर, TV एंकर या राइटर। तो आपको बताना है यहाँ पे एडवोकेट हैं ये, या एक्टर हैं, या TV एंकर हैं, या राइटर हैं। देखिए आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर भी दिख रही होगी, आप आराम से इनको पहचान सकते हैं। तो ये हैं टीवी एंकर। तो टीवी एंकर है, टीवी एंकरिंग का काम करती थी समाचार में, समाचार की एंकरिंग उन्होंने करी है, कह सकते हैं कि न्यूज़ एंकर है ये।
लिखा हुआ है नीलम शर्मा वन अमंग द फाउंडिंग एंकर ऑफ डीडी न्यूज, डीडी न्यूज की फाउंडिंग एंकर के रूप में जानी जाती हैं। एंड शी वॉज अवॉर्डेड 2018 द नारी शक्ति पुरस्कार, 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला है प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर गोविंद लिख गया, इसको आप कोविंद कर लेंगे, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज द राइटर ऑफ द लेटेस्ट पब्लिश नॉवेल सेकेंड नाइट, हाल ही में सेकेंड नाइट नामक जो उपन्यास है इसका प्रकाशन हुआ है, तो इसके लेखक इसके ऑथर का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, अरविंद अडिगा, अनिता देसाई, विक्रम सेठ एंड राजीव दोगरा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बेटा राजीव दोगरा। देखिए आपको यहाँ पर साइड में इनका ये नोवेल का कवर पेज भी दिखाई दे रहा है और इसमें नाम भी लिखा हुआ है राजीव दोगरा, तो राजीव दोगरा, और टाइटल भी लिखा हुआ है सेकंड नाइट। तो यहाँ पर क्लियर आंसर आपको मिल गया, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन है, राजीव दोगरा, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट, टेलीविजन कॉमेंटेटर, राइटर एंड आर्टिस्ट राजीव दोगरा रोट हिज लेटेस्ट, यानी कि तीसरा उन्होंने उपन्यास लिखा है सेकेंड नाइट, पब्लिश्ड बाई रूपा पब्लिकेशन। दिस नॉवेल डिस्क्राइब्स एंड फोकस ऑन द फ्रेंडशिप, लव एंड लॉस इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन। तो एक स्त्री के जीवन में फ्रेंडशिप, लव और उसके जो लॉसेज हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी दामोदर गणेश बापट पास्ड अवे इन छत्तीसगढ़ एंड ही इज फेमस फॉर। तो हाल ही में एक बहुत ही फेमस शख्सियत का निधन हो गया है और इनका नाम है दामोदर गणेश बापट। तो दामोदर गणेश बापट जी का छत्तीसगढ़ में निधन हो गया है। वे किस काम के लिए प्रसिद्ध थे, सोशल वर्कर थे या कॉमेडियन है या म्यूजिशियन है या आर्टिस्ट है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एक सोशल वर्कर है, समाज सेवा में इनका इनकी उपलब्धियां हैं। और यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है, ही हैड डिसाइडेड हिज लाइफ टू द ट्रीटमेंट एंड सर्विस ऑफ लिप्रोसी पेशेंट एट भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ इन कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ एक जगह का नाम लिखा हुआ है जांगीर चमना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जांगीर चमना डिस्ट्रिक्ट ये आपको यही क्या नाम है छत्तीसगढ़ में मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है कह सकते हैं कि इनके लिए लिप्रोसी पेशेंट्स के लिए, कुष्ठ रोगों की रोगी जो होते हैं उनके लिए, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ। एंड ही वॉज द रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री इन 2018 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद फ्रॉम हिज सर्विस ऑफ द सर्विस टू द सोसाइटी। तो समाज सेवा के कार्य के लिए यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी से इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एक सोशल वर्कर हैं, 2018 में इनको ये अवार्ड भी मिला। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ कोंकण 19 सीरीज ऑफ एनुअल बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज हेल्ड। तो एनुअल बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज जो है वो कोंकण 19 सीरीज का ये 14वां एडिशन जो है ये कहाँ पर हुआ है पूछा जा रहा है। कोंकण 19 श्रृंखला के वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है और चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन आपका यूके है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा अमेरिका है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है यूके। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, यूके। तो यूके इज द राइट आंसर। ठीक, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से आपका ये आज का करंट अफेयर्स पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद हो गए होंगे और आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और वैल्यूएबल कमेंट्स आपके हमेशा वेलकम हैं। और अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।